अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू वायरल इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स। और आज की जैसे कि मैं अपने व्लॉग में आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ पर कि आज मैं किचन क्लीनिंग कर रही हूँ और थोड़ी बहुत चेंजिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे जितने भी बर्तन थे वो मैंने उतार लिए हैं और ये आपके सामने कुछ रह गए हैं, ये भी हटा रही हूँ मैं। और मैंने ऊपर से जो डस्टिंग वगैरह की थी ना, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डस्ट आई है। और वैसे भी ये लास्ट वीक में बहुत ज़्यादा हवा चली थी और इतनी डस्ट आई थी कि ये यहाँ पर मेरे किचन में एक विंडो है ना, जिसकी वजह से बे इंतहा की डस्ट आती है। आप कितना ही साफ़ कर लें और ऊपर से भी सफाई किए तो सारी इसमें ही गिरी है आकर। मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा होकर आप लोगों से ये बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये गंदा लग रहा है ना, इसलिए भी बता रही हूँ। और जो सही बात है वो भी आप लोगों से बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ कि भाई मैंने इतनी गंदी नहीं हूँ मैं जितना ये यहाँ पर ये गंदगी नज़र आ रही है ना। तो मैंने ऊपर से भी डस्ट वगैरह साफ़ की थी, सारे जाले वगैरह झाड़े थे। अब इसकी बारी आ गई कॉर्नर की। सारे बर्तन उठा के मैंने नीचे रख दिए हैं, वॉश भी कर लिए हैं। और इसके अलावा और भी जितने हैं ना सब, क्योंकि इस दफ़ा है ना काफ़ी लेट हो गया था, मैं कर लेती हूँ तकरीबन एक महीने में ही कर लेती हूँ सफ़ाई, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर गया, लंबा पीरियड हो गया, तो और सफाई भी नहीं हो पाई। यार मौसम ही कुछ अजीब सा हो रहा था, तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो अब सोचा आप सफाई कर लेते हैं। तो तमाम कैबिनेट्स को अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी अंदर बाहर से। और सारी ही चीज़ें यहाँ पर देखें कुछ आगे पीछे हुई हुई हैं। ऊपर वाला शेल्फ बिल्कुल उतार उतार के ये अभी रख देंगे, ऊपर अभी रख देंगे, पूरा खाली हो गया है और नीचे का फुल भर गया है। कुछ इस तरह से सीन हो जाता है। अगर आप साफ़ करते हैं और क्लीनिंग करते हैं ना, तो साथ में ये चीज़ें सेट करना आसान हो जाती हैं, तो मैं इसी तरह करूँगी। अच्छा, मेरा किचन फैलता है, इस वजह से कोई और तो नहीं है, मैं ही हूँ अकेली फैलाने वाली किचन को, क्योंकि घर तो सब मिलके ख़राब करते हैं, किचन सिर्फ मैं ही ख़राब करती हूँ और मैं ही साफ़ करती हूँ। तो मेरे साथ बस ये होता है कि ऊपर चीज़ें रखी हुई होती हूँ, उतार तो लेती हूँ, वापस रखते हुए मुझे बड़ी वो होती है, क्या बोलते हैं, तकलीफ़ होती है ना कि भाई नीचे उतार लिए हैं, ऊपर वापस चेयर लगा के ये स्टूल रख के ही रखना पड़ेगा, बाद में रख लेंगे। इस वजह से नीचे वाले जितने भी कैबिनेट्स हैं वो फुल हो जाते हैं। और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप डिस्पोजिबल ग्लासेस और ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये टैबलेट्स देख रहे हैं ना, ये वही कॉकरोच की टैबलेट्स हैं जो मैंने बनाई थी, होममेड इंसेक्ट किलर, तो बेहतरीन है। और मेरे घर में कैबिनेट्स में बहुत ही ज़्यादा सुकून है, वरना तो ज़रा भी हाथ आपके गीले गीले लगते हैं तो कॉकरोच पहले पैदा हो जाते हैं ना। तो हमें कॉकरोच की क्या कहते हैं नस्ल को आगे नहीं बढ़ाना है, हमें उसको बिल्कुल यहीं पर ही ख़त्म कर देना है। और अच्छे से मैंने क्लीनिंग कर ली है इसकी, अब इसमें मैं शीट्स बिछा दूँगी, क्योंकि मैं शीट्स बिछाती रहती हूँ तो वो अंदर ही अंदर ख़राब होती रहती है ना। तो ऐसा करूँगी, बस दो ही शीट्स बिछाऊँगी और जब भी चेंज करना होगी पहले ये हटाऊँगी फिर लगाऊँगी, ऐसा नहीं करूँगी कि साफ़ करके वापस ऊपर लगा दूँ। और मैं शीट्स इसलिए भी लगाती हूँ, रस्ट आता है वहाँ पर ना, जितने भी रह गए ना, क्योंकि पानी खारा है हमारे घर में, बोरिंग हुई हुई है वो यूज़ करते हैं, तो इस वजह से खारा आ जाता है। यहाँ पर मैंने कोई भी पानी यूज़ नहीं किया था, फिर भी देखें फ्रिज कितना ख़राब हो रहा है। यहाँ पर दिखा रही जंग का क्या काम है, अब यहाँ पे भी रस्ट इतना आया हुआ है जगह जगह, हालांकि यहाँ पर तो मैंने वॉश भी नहीं किया, पानी भी नहीं लगाया, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता फैल जाएगा। और मैंने अभी न्यू फ्रिज, और यहाँ पर मैंने न्यू फ्रिज लिया था, उस पर भी कितना रस्ट आ गया, हालांकि मैंने पानी भी बिल्कुल खारा यूज़ नहीं किया, क्योंकि इससे पहले जो हमारे पास फ्रिज था उसको हम बिल्कुल ख़त्म कर चुके थे, हर तरह से हमने उसको प्रेशर से धोते थे हम उसको, अंदर से भी बाहर से भी, तो वो पूरा रस्ट में भर गया था। तो मैंने चेंज किया था, ये वाला लिया था हायर का, तो माशाल्लाह ये अच्छा चल रहा है, लेकिन इसकी साइड की बॉडी है ना ये खुद ब खुद रस्ट हो रही है, इसमें रस्ट आता जा रहा है इसमें। और यहाँ पर हमारा काम हो गया, मैंने शीट्स में इसकी चेंज कर रही हूँ। और मैं कुछ अपने किचन के लिए DIY भी बना रही हूँ, तो ये ट्रे है, शेविंग क्रीम्स की ट्रे आती है ना, वो है ये बॉक्स जो आता है जिसमें पूरा सेट होता है शेविंग क्रीम्स का, तो ये वही बॉक्स है। और टेप्स की वजह से इसके कॉर्नर में थोड़े से सिक्योर कर दूँगी, जिसकी वजह से ये फ़ौरन टूटेंगे नहीं। तो मुझे थोड़े दिन पहले यानी कि मंथ्स पहले, नॉट्स अ मंथ, आई रिमेम्बर इट वेल, तकरीबन एक साल पहले की बात है, हाँ, आयर अगो आई बिकम वेरी इंटरेस्टेड इन बेकिंग, सो आई थॉट आई शुड हैव ऑल द थिंग्स, यानी कि तमाम चीज़ें होनी चाहिए, खट्टी करनी चाहिए, देन आई कैन बेकिंग वेरी वेल, बट आई वॉज रॉन्ग,
कि भाई ये चीज़ गलत है। जब तक आप तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके लेकर आएंगे इतना टाइम लगेगा, आप अपना शौक इधर उधर कर देंगे, मतलब आप गुम कर देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास तमाम चीज़ें हों तभी आप स्टार्ट करें ना। बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक हुआ था तो मैंने ये अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर ली थी बेकिंग के लिए ना, तो मैं आज आपको ये भी बता दूँ कि इसके लिए ना ये वाले पैन ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते। इससे आपको सर के अगर लेने हैं ना तो आप कोई भी अपने पतीले छोटे वगैरह होते हैं घर में तो वो यूज़ कर लें। इस तरह के पैन होते हैं बेकिंग के लिए, केक ही तो बनाना है इसमें, बहुत ही आसानी से बन जाता है। पतीले में आप घर के छोटे छोटे पतीलियाँ होती हैं ना उसमें बना लें, और इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका लिड जो होता है ना, ये नीचे का बॉटम जो होता है वो इतना कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, बिल्कुल लाइट सा होता है, तो इसमें केक ज़्यादा जलने का ख़तरा होता है। जबकि हमारी पतीलियाँ इससे ज़्यादा थोड़ी मोटी होती हैं, इसके बॉटम तो इतना नहीं होता। तो ये वाले ले लिया करें स्क्वायर और रेक्टेंगल टाइप, ये ब्रेड पैन है तो इससे अच्छी क्वालिटी मुझे ये वाली लगी है इसकी ना, इसकी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। जबकि इसकी क्वालिटी इतनी कोई अच्छी नहीं है और ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी है इनके मुकाबले में ना। तो ये आई थिंक मैंने 300 का लिया था और ये काफ़ी ज़्यादा सस्ते थे, 150 तक के ये मिल गए थे। तो ये ब्रेड पैन है और इसके अलावा ये क्योंकि इसके उसके लिए होता है, सॉरी, वो जो हम ब्राउनीज वगैरह खाते हैं ना तो उसके लिए स्क्वायर है ये वाला। तो ये वाले ले लें आप, ये वाला मत लीजिएगा, ये बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के नहीं है और इस पर रस्ट देख रहे हैं आप कितनी जल्दी आ जाता है। मैंने 2 से 3 बार इसमें बनाया केक, इतना कोई बनाया भी नहीं है क्योंकि मैं पतीली ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि उसमें केक जलता भी नहीं है। क्योंकि मैंने अभी जैसे आपको बताया इसका बॉटम है ना बहुत लाइट है और उसका अच्छा होता है पतीलियों का। और मेजरिंग स्पून वगैरह ले लें, और अगर आपके पास नहीं है कौन सी वो जो व्हिपिंग करते हैं, तो अगर आपके पास वो मशीन नहीं है, व्हिपिंग मशीन नहीं है, तो आप ये ले लें, ये इसके लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि स्टार्टिंग होगी तो आपका दिल चाहेगा, सब कुछ होना चाहिए ना घर के अंदर, सब कुछ सारी चीज़ें होनी चाहिए घर में। तो पहले आप ये लें, अगर आपका शौक़ ख़त्म नहीं होता 2-3 साल लगाएं, 1.5 साल तो तकरीबन लगाएं, उसके बाद सारी चीज़ें इन्वेस्ट कीजिएगा। 1 साल ले लेंगे ना आपको, फिर आपका मूड ऑफ हो जाएगा तो फिर ये चीज़ें बेकार पड़ी रहेंगी। हाँ ये ज़रूरी होती है, ये 3 का सेट्स होता है इसका, ये 3 होती हैं इसके अंदर ना, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ इसमें सारी चीज़ें। एक ये होती है स्क्रैपर, एक इसके अंदर ये वाली होती है, ये 3 का सेट्स होता है। तो ये भी अच्छी हैं, ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं लेनी है। तो मैं यहाँ पर सफाई कर रही थी अपने किचन की, और ना तो मैंने सोचा आप लोगों को भी इसे शेयर कर दूँ, क्योंकि न्यू अगर शौक होता है ना देखकर तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी ले लेते हैं जो हमारी पसंद की नहीं होती और एक्सपेंसिव होती है, लेना भी चाहते हैं लेकिन है ना ख़रीद के और फिर वेस्ट पड़ी रहती हैं। और यहाँ पर देखें ये कटर है हमारा जो कि टूट चुका है ऑलमोस्ट, ये देखें तिंग के निकाल दी क्योंकि बॉयल एक बच्चे करके कट खुद करना चाहते हैं तो लाजमी वो तोड़ फोड़ मचाते हैं। मेरे घर में तो इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जो वो तोड़ तोड़ कर साइड में करते रहते हैं। और ये पाइपिंग बैग है, इससे हम फ्रोस्टिंग करते हैं, बहुत अच्छी सी डिज़ाइनिंग, इसके न्यूज़ेन हैं सारे जितने भी हैं। और ये मेजरिंग स्पून है, तो ये सब चीज़ें मैं बेकिंग की जितनी भी चीज़ें हैं ना सारी, वो सामान बेकिंग करने का वो सारी एक ही जगह कर देती हूँ ताकि ढूंढने में आसानी हो ना। और यहाँ पर कुछ प्लेट्स वगैरह हैं, एक ये शीट्स बिछानी है मुझे कैबिनेट्स के अंदर। और अच्छा एक और बात, प्लेट्स हमेशा है ना मैं रख तो रही हूँ, मैं ये पैक ही हुई हुई थी तो इस तरह से कर लिया करें, इस तरह से टूटती नहीं है। आपके पास टिश ये थोड़ा सा होता है फॉर्मिक आते हैं इसमें बबल्स वाला जो आती है शीट, वो भी बिछा सकते हैं, वैसे तो साथ में ही आता है। ये न्यू प्लेट्स मैंने निकाली हैं कैबिनेट में रखने के लिए, तो इसमें ये ज़रूर होना चाहिए, मार्बल हो या कांच की प्लेट्स वगैरह हो ना ग्लास की, तो उसके लिए ये शीट्स ये वाली ज़रूरी होती है वरना एक दूसरे में टच होकर वो टूटती रहती हैं। और यहाँ पर ये तमाम चीज़ें, तो चले मिल के सेट करते हैं अपना किचन। तमाम चीज़ों को दिखा दिया मैंने, यहाँ पर फैलावा मचा के रखा हुआ है बहुत सारा। और अब हम आते हैं अपने किचन का, फ़िलहाल ये हाल हुआ हुआ है, अभी मुझे ऊपर चढ़ना है और ऊपर चढ़ के हम इसको पहले बिछाएंगे, फिर आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि किस तरह से किचन टूर भी इंशाल्लाह देने की कोशिश करूंगी मैं अपना ना, फर्स्ट टाइम दूंगी, देखें क्या होता है।
यहाँ पे देखें अभी मैंने सारी चीज़ें उतार के रखी हुई हैं सारी अपनी किचन की। जब हो जाएगा ये देखें, ये वॉश करके मैंने हैंग कर दिए यहीं पर, क्योंकि इससे अच्छी ऑप्शन था नहीं, क्योंकि नीचे रखती तो सिर्फ यही रह जाता मेरे पास और बाकी फ्लावर्स वगैरह सारे डस्टबिन में या इधर उधर पड़े हुए होते, तो इसलिए मैंने सोचा यहीं पर हैंग कर देती हूँ। ये जब तक ड्राई नहीं होती जगह पर नहीं जाएंगे यहीं पर। और कुछ चीज़ें यहाँ पर हमने हैंग करके रखी हुई हैं। पूरा किचन इस टाइम है ना सारा का सारा फैला हुआ है, मेरा सारा सामान देखें आप, सारी चीज़ें निकली हुई हैं। ये किचन टूर से पहले ना ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना आप ही बोलेंगे लो मुँह उठाकर आ गए। वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।